चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? पहले मुझे इंटीमेट करें कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, तो आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, कल थोड़ा सा हम लोग जो है मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, कल से, कल और परसों, ठीक है। और 3 घंटे की कम से कम क्लास में आपके लूंगा, जिससे कि जो है आपका थोड़ा सा जो है टॉपिक आपका आगे बढ़ जाएगा, 4 ईयर ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है। चलिए, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि जो है मैंने आपको कुछ 4 ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ा दिए थे, जैसे आपको जो है सिग्नम टी का हम लोगों ने 4 ईयर ट्रांसफॉर्म निकाला था, और आपने देखा था कि सिग्नम टी का जो 4 ईयर ट्रांसफॉर्म आया था वो आया था आपके पास 2/j ओमेगा। 4 ईयर सिग्नम टी का 4 ईयर ट्रांसफॉर्म जब हमने निकाला था तो आया था 2/j ओमेगा, ठीक है। आपने देखा था कि जो सिग्नम टी होता था वो आपका कैसा सिग्नल होता था? रियल और ऑड सिग्नल होता था, रियल और ऑड सिग्नल होता था। और जब हमने इसका 4 ईयर ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमेशा वो कैसा आएगा? इमेजिनरी और ऑड सिग्नल आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और 4 ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, दैट इज नथिंग बट द 2/jt। 2/jt का 4 ईयर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था डुअलिटी प्रॉपर्टी लगा के, दैट इज नथिंग बट द -2π sgn ओमेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड 4 ईयर ट्रांसफॉर्म थे। नेक्स्ट हम लोग जो है जरा एक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिग्नम, दैट इज द सिंक फंक्शन, दैट इज सिंक टी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा सिंक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो सिंक फंक्शन होता है उसका जब मैं 4 ईयर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो गेट पल्स आने वाला है, गेट सिग्नल आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जो है पहले सिग्नल को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन, ठीक है। चलो, सिंक फंक्शन की थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि सिंक टी इज इक्वल टू व्हाट इज द मैथमेटिकल फंक्शन। तो दैट इज सिंक फंक्शन को शॉर्ट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं SINC, सिंक टी। सिंक टी जो कि बराबर होता है एक मैथमेटिकल फंक्शन के, दैट इज नथिंग बट द साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, ठीक है। सिंक टी इज इक्वल टू होता है साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि अगर यहां पर टी है तो पाई के साथ यहां भी क्या रहा है? टी आ रहा है, और यहां भी पाई के साथ क्या रहा है? टी आ रहा है। अगर यहां मान लीजिए एटी होता तो क्या हो जाता बेटा? साइन पाई एटी विल बी देयर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एटी विल बी देयर, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है हम लोग यहां पर आइडिया रखेंगे, एक मिनट से। हेलो, तो आप देखेंगे कि पहले तो हम लोग जो है सिंक फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, सिंक टी इक्वल टू होता है साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, ठीक है।
तो आप देखेंगे यहां पर अगर आपने sinc t लिखा है तो पाई के साथ भी सेम चीज आएगा, सेम वेरिएबल, पाई के साथ भी हमेशा सेम वेरिएबल आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ी थी, नोट करके लिखते हैं, जरा मुझे ये चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे एक लिमिट पूछूं नोट करके, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, sinc t इज इक्वल टू होता है साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ sinc फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपसे जो है एक लिमिट पूछ रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट? इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती थी? इस लिमिट की वैल्यू होती थी वन, इस लिमिट की वैल्यू होती थी वन। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इस लिमिट को कैलकुलेट करने जाऊंगा तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट में एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आप देखेंगे क्या फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अभी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी दैट इज इक्वल टू वन। अभी हम कैसे कैलकुलेट करते थे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये आपकी लिमिट की वैल्यू कैसे आती थी, इसका प्रूफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आप निकालना था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू कहाँ रखनी है, जीरो रखनी है, तो एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की वैल्यू ज्यादा जीरो रखें, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आएगा साइन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, और बेटा साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई जीरो बटे जीरो। जीरो को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये नहीं बता सकते, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द अनडिटरमिनेड फॉर्म। तो जब भी आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनेगा या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनेगा तो दैट इज कॉल्ड द अनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको अभी बताया नहीं जा सकता, इसको बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जीरो बाई जीरो बने या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बने तब ऐसी लिमिट को निकाल, देखो यहां पर आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स की बेटा मैंने वैल्यू जीरो रखी, एक्स की वैल्यू जीरो रखने के बाद कैसा फॉर्मेट होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट, इसको बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब भी लिमिट को कैलकुलेट करने पे जीरो बाई जीरो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बने, इसको बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म। तब लिमिट को निकालने के लिए आप एक रूल लगाते थे, उसका नाम होता था एल हॉस्पिटल रूल। तब इस लिमिट को जब भी आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्मेट या फिर आपके पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर अनडिटरमिनेट फॉर्म बने तब आप उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते थे, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहां पर आप इस लिमिट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो जीरो बाई जीरो या फिर अनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, आपको एक रूल लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल इज यूज। यहां पर इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, एल हॉस्पिटल यूज करते थे। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या करता था कि जब भी आपका किसी भी लिमिट को कैलकुलेट करने पे जीरो बाय जीरो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्मेट बने तब उस लिमिट को निकालने के लिए आप क्या करते थे, अपने न्यूमरेटर का एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे और डिनोमिनेटर का भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे, और डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू को पुट कर देते तो आपका उस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती थी, कैलकुलेट हो जाती थी। तो नाउ ये जो लिमिट है, इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखा जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगी, इस लिमिट को निकालने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेगा, ये जो लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है, एक्स की वैल्यू रखने पे जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो दिस लिमिट इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप एक बार क्या करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे और एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंस, साइन एक्स का जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स
डिवाइडेड बाई एक्स का जो है डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होने वाला है, दैट इज नथिंग बट द वन। ठीक है, तो जब भी आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनेगा तब उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल कहता है कि अपने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप x की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज cos x। अब x इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो आ जाए, नाउ दिस इज cos जीरो और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, की लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी आपके पास जीरो बाई जीरो या फिर आपके पास इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या फिर इसी फॉर्मेट को होते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगा, तब उस लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। एक बार आप अपने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर देंगे और एक बार डिनोमिनेटर का। मान लो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन जाता तो फिर से मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाता और फिर से मैं एक बार न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करता और एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करता। क्या राजरानी मेरी बात समझ रही हो? क्या मेरी बात समझ रही हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल है कि जब भी आप किसी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे और लिमिट को कैलकुलेट करने में जब भी जीरो बाय जीरो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन जाएगा उसको बोलते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो ऐसे लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि एक बार न्यूमरेटर के फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बन रहा था, रख के देख लो जीरो बाय जीरो, तो इसको निकालने के एल हॉस्पिटल रूल लगा, तो एक बार मैंने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दिया और एक बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद अब लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने के बाद आप देखेंगे कि लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। मान लो डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट में रखता, फिर से जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट बन जाता तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाता, फिर से मैं एक बार डिफरेंशिएट करता न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या करता, पुट करता। और जब तक जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बनता तब तक मैं ऐसा करता रहा, तो फाइनली बाद में मेरी आपकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती, कैलकुलेट हो जाती। और यहां पर एक ही बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो अब हम बात करते हैं, चलो कुछ बात करने जा रहे हैं। चलो अब मैं आपके सिंक फंक्शन के बारे में पहुंचा, सिंक फंक्शन, सिंक टी। कोई मुझे बताया सिंक टी की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे कितनी होती है? सिंक टी की वैल्यू अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पे निकालूं तो कितनी आएगी, जरा मुझे बताएंगे क्या राजरानी? सिंक टी की वैल्यू जीरो पे इनफाइनाइट हो, पागल हो गए हो, कह रहा हो अनडिटरमाइंड हो, जीरो बाई जीरो होगी। केवल एक ही बंदे का आंसर सही है आकाश का, बाकी जितने लोगों ने आंसर किया सबने गलत आंसर किया भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? चल इस चीज को आप बता पाए उसको बताने के लिए मैंने ये बताया है आपको, लेकिन उसके बावजूद केवल एक बच्चे का सही है। सिंक टी पढ़ने जा रहे हैं, सिंक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सिंक फंक्शन, सिंक टी की मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने बताई, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, लिख लो। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, चलो आ जाओ। सिंक टी की वैल्यू निकालनी है टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ेगा उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये चीज बता दू। देखिए सिंक टी की वैल्यू निकालनी है, सिंक टी की वैल्यू निकालनी है टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो सिंक टी का मैथमेटिकल फंक्शन, सिंक टी की जगह क्या लिख सकते हैं, हेलो सिंक टी की जगह लिख सकते हैं साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी लिख सकते हैं राजरानी। और बेटा इस फंक्शन की वैल्यू में निकालनी है टी इक्वल टू जीरो, क्या लिख सकते हैं, हेलो
sin का t की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू, ये sin का t की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखती दैट इज sin पाई t डिवाइडेड बाय पाई t। अब t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब लिमिट में भी तो यही करते थे, लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब लिमिट में जो भी दिया होता तो उसकी वैल्यू पुट करते थे। अगर वैल्यू पुट करने मतलब लिमिट कैलकुलेट करें, ये मतलब जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा, राजानी सुनो, जब t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो आएगा पाई इंटू 0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0। ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 साइन 0, 0 बाय 0 फॉर्मेट बन जाएगा क्या, 0 बाय 0 कैसा फॉर्मेट बन जाएगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म। और कभी भी अनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल पे। हमें पुट करके दिखा देता हूं, जब आप t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू 0 पे sinc t के, t इक्वल टू 0 पे sinc t निकालेंगे तो sinc t की जगह मैंने रख दिया sin पाई t डिवाइडेड बाय पाई t, इसका मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अब जरा 0 पुट करके देखो क्या बन रहा है, तो यहां पर बनेगा sin पाई इंटू 0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू sin 0 डिवाइडेड बाई 0, साइन 0 के लिए तो 0 बाई 0, 0 बाई 0 कैसा फॉर्मेट होता है, ये होता है अनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस वैल्यू को कैलकुलेट, 0 में को जब 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा आप नहीं बता सकते, इसलिए बोलते हैं अनडिटर्मिनेट, मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं किया अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए। अगर कभी भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो ऐसी लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हेलो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब हमने क्या किया लिमिट t टेंड्स टू 0 कर दिया, यही तो मतलब हुआ, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालना मतलब मैंने लिमिट लगाई है t टेंड्स टू 0। तो अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट निकालने में 0 बाय 0 फॉर्मेट बनता है, क्या ये लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट हो पाएगी, नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एक बार मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा और एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो ये लिमिट आपकी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, और एल हॉस्पिटल रूल जब आप लगाएंगे तो आ जाएगा sinc t, हेलो sinc t की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू 0, sinc t की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपने रखी, हेलो जब मैंने t इक्वल टू 0 रखा तो कौन सा फॉर्मेट बन गया, 0 बाय 0, तो ये लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट, एक बार मैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, जिसकी लिमिट, हेलो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में, क्या था लिमिट लगाई थी x टेंड्स टू 0, x के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर रहा और x के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर का, x के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर के किया था तो 1 आ गया था, x के रिस्पेक्ट में किया था sin x का तो x आ गया था। यहां पर हम किसकी लिमिट लगा रहे हैं, t इक्वल टू 0, लिमिट t की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, कहां तक जा रही, 0 जा रही, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो sin t का मुझे डिफरेंट न्यूमरेटर के एक बार डिफरेंशिएट करूंगा और डिनोमिनेटर के एक बार डिफरेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा बेटा sin t का हो जाएगा, sin pi t का हो जाएगा cos pi t, ध्यान से देखिए sin का खत्म क्या बचेगा pi t, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बचेगा, दिस इज नथिंग बट द pi, डिनोमिनेटर का बेटा करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, हेलो डिनोमिनेटर का करेंगे तो क्या बचेगा, केवल पाई बचेगा, दिस इज पाई, और लिमिट लगानी है बेटा टी इक्वल टू 0, क्या मेरी बात समझ रहे हैं राजरानी, क्या मेरी बात समझ रही हो, हाँ चलो, नाउ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू कॉस पाई टी एट टी इक्वल टू 0, अब टी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास दिस इज कॉस पाई इंटू 0, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो sinc t की अगर कोई वैल्यू पूछे t इक्वल टू 0 पे कितनी होती है, sinc t की अगर कोई वैल्यू मुझसे पूछेगा t इक्वल टू 0 पे कितनी होती है तो मैं बोलूंगा 1, वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, sinc t की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे मतलब ओरिजिन पे, अगर sinc t का मैं ग्राफ बनाऊंगा t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब हाँ पूजा तुमने क्या सही बताया था, तुमने 0 बाय 0 फॉर्मेट बताया था, मैंने तुमसे वैल्यू पूछी थी 0 बाय 0 वैल्यू थोड़ा आ रही है, हाँ दीदी तुम्हारा सही था और आकाश केवल 2 का सही था,
चलो तो ये हमें कंफर्म हो गया कि सिंक टी की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे क्या होती है, वन होती है, ठीक है। चलो अब ये बताओ जो सिंक टी है वो मेरा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। लो सिंक टी मेरा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये बताओ तुम। सिंक टी मेरा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, मुझे कैलकुलेट करके बताएं भाई। चलो इवन, चंचल ने बोला इवन है, चेक कर लो आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन है, चेक करते हैं। हेलो सिंक टी का मैथमेटिकल फंक्शन क्या है? साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, यही मैथमेटिकल फंक्शन है। आपको निकालना है बेटा सिंक टी इवन है कि ऑड है। तो जैसे मान लो एक्स टी को इवन ऑड देखते तो एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू निकालते थे, अगर एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू अगेन एक्स टी के बराबर आ जाए तो कैसा होता था? इवन सिग्नल होता था। और अगर एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू माइनस एक्स ऑफ टी के बराबर होगी तो ऑड सिग्नल होगा। तो चलो एक्स टी, हेलो ये आपको सिंक टी है, इसको एक्स टी मानो। तो एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। चलो इसको मैं एक्स टी मान लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट द एक्स टी, इसी को चेक करना है। इसको हमने एक्स टी मान, ठीक है, एक्स टी, एक्स टी जो कि किस फंक्शन को है, सिंक टी, जिसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। तो एक्स ऑफ माइनस टी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, जहां भी बेटा एक्स टी में टी होगा टी को रिप्लेस कर दूंगा माइनस टी से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इवन ऑड देखना था कि सिंक टी मेरा इवन है कि ऑड है, तो सिंक माइनस टी की वैल्यू निकाल, सिंक ऑफ माइनस टी की वैल्यू अगर सिंक टी के बराबर आ गई तो वो इवन होगा, अगर माइनस ऑफ सिंक टी के बराबर आ गई तो ऑड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ है? चलो निकाल रहा हूं सिंक माइनस टी की वैल्यू। हेलो ये आपके पास एक्स टी है, ये एक्स ऑफ माइनस टी, जहां भी टी था टी को मैंने माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, एक्स टी को चेक करना था तो एक्स ऑफ माइनस टी निकाला, सिंक टी चेक करना था इवन ऑड है तो मैंने सिंक ऑफ माइनस टी निकाला। सिंक ऑफ माइनस टी अगर सिंक टी के बराबर आ गया तो इवन होगा और माइनस ऑफ सिंक टी हुआ तो ये ऑड होगा। चलो ये बताओ सिंक टी की मैथमेटिकल डिस्टिंक्शन, सिंक ऑफ माइनस टी की मैथमेटिकल डिस्टिंक्शन निकालनी है तो सिंक टी में जहां जहां भी टी होगा टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस टी से, तो वैल्यू क्या जाएगा बेटा? सिंक या फिर साइन, दिस इज पाई ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई पाई ऑफ माइनस टी, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लो, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन, दिस इज साइन माइनस पाई टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? माइनस पाई टी, ठीक है। अब आपको मालूम बेटा साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के बराबर, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई टी डिवाइडेड बाई माइनस पाई टी, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, और साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी को आप लिख सकते हैं सिंक टी, क्या लिख सकते हैं? सिंक टी। तो आपने देखा कि बेटा सिंक ऑफ माइनस टी, हेलो सिंक ऑफ माइनस टी जब आपने निकाला तो अगेन किसके बराबर गया? सिंक टी के बराबर आ गया। तो सिंक टी मेरा कैसा फंक्शन है? सिंक फंक्शन मेरा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन लिख रहा हूं, चूंकि सिंक ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू सिंक टी है तो सिंक टी मेरा इवन सिग्नल है, क्योंकि सिंक ऑफ माइनस टी निकाला ये किसके बराबर आ रहा? सिंक टी के बराबर, इसलिए सिंक टी इज रिप्रेजेंट एंड इवन सिग्नल। कैसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है? इवन। चलो दो चीज देखो मुझे मालूम चल गया, मैं सिंक टी का ग्राफ बनाना चाहता हूं। किसका ग्राफ बनाना चाहता हूं? सिंक टी का ग्राफ। पहला चीज है कि जो सिंक फंक्शन है वो मेरा कैसा फंक्शन है? इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल है तो जैसा ये वर्टिकल एक्सेस के आगे बनेगा वैसे ही वर्टिकल एक्सेस के पीछे, क्योंकि इवन सिग्नल हमेशा वर्टिकल एक्सेस के सिमेट्रिकल, जैसा ही बेटा मैं वर्टिकल एक्सेस के आगे ग्राफ बनाऊंगा वैसे ही ग्राफ वर्टिकल एक्सेस के पीछे बनेगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा क्लियर होनी चाहिए कि ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है। हेलो सिंक टी की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी होगी? टाइम के स्पेस में ड्रॉ करूंगा कितनी होगी? वन होगी। दो चीजें हमें कंफर्म होगी, इतना लिख लें, फिर मैं आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाता हूं। इस ग्राफ को बताने के लिए पहले थोड़ा साइन के ग्राफ को समझते हैं।
मुझे इसका ग्राफ आपको बताना कि ग्राफ कैसा होगा। चलो हो गया क्या, हो गया, आगे चलें। आ जाओ जरा साइन के ग्राफ को समझते, क्यों साइन के ग्राफ को समझ रहे हैं, क्योंकि सिंक फंक्शन में ऊपर देखो बेटा क्या लिखा है, साइन पाई टी लिखा है। तो थोड़ा सा साइन के ग्राफ को समझते हैं, किन किन टाइम इंस्टेंट पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं ऊपर की लाइन, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वन। चलो नाउ दिस इज द साइन टी का ग्राफ बना था। हेलो ये बताइए साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वन, ये बताओ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या, वन मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू इतना कांस्टेंट, ठीक है ध्यान से देखिएगा दिस इज वन, ठीक है। चलो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको, साइन का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है ऐसा ग्राफ दिखेगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, ध्यान से देखिएगा दिस इज पाई, दिस इज टू पाई, दिस इज थ्री पाई, दिस इज फोर पाई, दिस इज माइनस पाई, माइनस टू पाई एंड लाइक दिस, ठीक है जरा ध्यान से देखिए जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। हेलो आपका जो साइन टी होता है, साइन टी की वैल्यू जितने भी इंटीग्रल पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, पाई के इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पूरा, पाई का जो है इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज इसको हम इसको लिख सकते वन इंटू पाई, ये क्या है बेटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, पूर्णांक मल्टीपल है। टू पाई क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, थ्री पाई क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, फोर पाई क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज माइनस पाई, माइनस पाई को माइनस वन इंटू पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, माइनस टू पाई दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर होता है माइनस वन, माइनस टू, वन टू थ्री फोर। तो आप देखेंगे जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे हर जगह साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो, मतलब प्लस माइनस पाई पे साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी जीरो, प्लस माइनस टू पाई पे हमेशा साइन की वैल्यू क्या होगी जीरो, प्लस माइनस थ्री पाई पे हमेशा साइन की वैल्यू क्या होगी जीरो। जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होंगे हर जगह साइन साइन की वैल्यू क्या होने वाली है जीरो होने वाली है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा, या मैंने तो साइन साइन टी
ठीक है, दैट इज साइन टी, साइन टी की जगह साइन एक्स लिख लो जरा, कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो साइन एक्स कर देता हूं आपको समझाने के लिए, और किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज नथिंग बट द एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू या फिर कोई भी जो साइन होगा, साइन एक्स की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी, जीरो फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। साइन एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का जितना भी इंटीजर मल्टीपल होगा उस जगह पे साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब, दैट इज जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज प्लस माइनस, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस मींस किस किस एंड में, जब एक्स होगा प्लस माइनस पाई। हेलो, साइन की वैल्यू प्लस पाई पे भी जीरो होगी, माइनस पाई। ये क्या लिख सकते हैं, ये आपका पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वन इंटू पाई। पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस वन, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस पाई कॉमा प्लस माइनस टू पाई, दिस इज आल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, प्लस माइनस थ्री पाई कॉमा प्लस माइनस फोर पाई एंड डॉट डॉट डॉट। इनफैक्ट जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल है, चाहे पाई हो, चाहे टू पाई हो, चाहे माइनस पाई हो, चाहे माइनस टू पाई हो, माइनस थ्री पाई हो, चाहे थ्री पाई हो, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं उस जगह पे साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये कंफर्म होना चाहिए। अब जरा हम लोग ग्राफ समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा मैं सिंक टी का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। सिंक टी किन किन टाइम इंस्टेंट पे जीरो होगा, जरा आप मुझे बताइए। हेलो, मैं सिंक टी की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूं, आपको मुझे बताना है किस किस टाइम पे आपके सिंक टी की वैल्यू जीरो होने वाली है। चलो लिख रहा हूं, पहले इतना ग्राफ बनाइए। तुम लोग जल्दी से कैमरा खोलो, तुम लोग कैमरा क्यों बंद कर रही हो, हो गया क्या, हो गया। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताएं सिंक टी की वैल्यू जीरो कब कब होगी, किस किस टाइम इंस्टेंट पे सिंक टी की वैल्यू जीरो होगी, जरा मुझे बताएं। सिंक टी को देखना, तो सिंक टी की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूं। हेलो, सिंक टी इज इक्वल टू क्या है, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। हेलो, साइन सिंक टी इज इक्वल टू दिस है ना, जब जब जो है न्यूमरेटर जीरो होगा तब तक सिंक टी भी जीरो होगा क्या। हेलो, जिस जिस टाइम इंस्टेंट पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिंक टी भी उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। अब न्यूमरेटर में है क्या बेटा, साइन पाई टी। हेलो, साइन पाई टी किस किस टाइम इंस्टेंट में जीरो होगा। हेलो, जब टी की वैल्यू वन, अगर मैं टी की वैल्यू वन रख दूंगा तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है। टी की वैल्यू अगर मैं माइनस वन रख दूंगा तो ये फिर से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, साइन माइनस पाई भी जीरो होता है। टी इक्वल टू टू रख देंगे तो टू पाई पे भी जीरो, माइनस टू रख देंगे तो आपका जीरो। जितने भी इंटीग्रल, जितने, इसका मतलब हुआ कि जितने भी टाइम इंस्टेंट इंटीग्रल टाइम पे, हेलो, जितने यहां पर आप देखेंगे, हेलो, दैट इज सिंक टी, आपको देखना कब कब जीरो होगा। सिंक टी कब जीरो होगा, जब साइन पाई टी, जब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। ये बताओ, साइन पाई टी जीरो कब कब होगा, इसकी वैल्यू जीरो कब कब होगी, किस किस टाइम इंस्टेंट में, जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस वन। हेलो, अगर मैं टी की वैल्यू यहां पर प्लस वन रखू चाहे माइनस वन रखू, ये इंटीग्रल में साइन पाई और साइन माइनस पाई जीरो हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। नाउ, जब टी की वैल्यू कितनी होगी,
प्लस माइनस टू तो भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टी की वैल्यू मैं प्लस माइनस तीन रखूंगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस फोर रखूंगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। इसी से जितने भी इंटीग्रल टाइम होंगे, ऑल द इंटीग्रल टाइम टी, आपके साइन पाई टी की वैल्यू जीरो होगा। साइन पाई टी जब जीरो होगा तो सिंक टी भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये बताओ, मैंने बोला फॉर ऑल द इंटीजर टाइम, फॉर ऑल द इंटीजर टाइम, तो यहां पर ये आ रहे हैं, जीरो भी तो इंटीजर होता है, जीरो भी तो इंटीजर होता है। क्या t इक्वल टू जीरो पे सिंक t की वैल्यू जीरो होगी? नहीं। कितनी होती है? t इक्वल टू जीरो पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। कितनी होती है? वन। तो t इक्वल टू जीरो को छोड़ के जितने भी इंटीजर टाइम होंगे, हेलो, जितने भी इंटीजर टाइम होंगे, चाहे आप प्लस वन की बात करें चाहे माइनस वन की बात करें, आपका sinc t, sin pi t जीरो होगा, sin pi t जीरो होगा, sinc t भी क्या होगा, जीरो होगा। प्लस माइनस टू पे भी sinc t जीरो होगा, प्लस माइनस तीन पे भी sinc t क्या होगा, जीरो होगा, प्लस माइनस फोर पे भी sinc t क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी sinc t जीरो होगा, इन सारे टाइम इंस्टेंट पे sinc t क्या होगा, जीरो। अगर इन सारे टाइम पे sinc t जीरो होगा, साइन पाई टी जीरो होगा, इन सारे टाइम पे कौन भी जीरो होगा, sinc t भी जीरो होगा। इन सारे टाइम इंस्टेंट पे sinc t की भी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, sinc t की वैल्यू जीरो कब कब होगी, sinc t इक्वल टू जीरो फॉर ऑल द टाइम इंस्टेंट, फॉर ऑल द टाइम इंस्टेंट, फॉर ऑल द इंटीग्रल टाइम, हेलो, फॉर ऑल द कौन से टाइम है बेटा, इंटीग्रल टाइम है, इंटीजर टाइम पे, फॉर ऑल द इंटीग्रल टाइम, फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम, फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम, फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम, दैट इज For all the integral multiple of time, that is उसका मतलब किन किन time पे बेटा, plus minus one, plus minus two, plus minus three, plus minus four, dot 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 like, except क्या zero पे value, hello, t equal to zero पे, t equal to zero जब रखेंगे तो क्या ये zero हो जाएगा, ये भी zero हो जाएगा t equal to zero पे। जब t इक्वल टू वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये फाइनाइट आएगा तो वैल्यू जीरो ही आने वाली है। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, t इक्वल टू जीरो तुम रखो तो जीरो बाई जीरो बन जाएगा, एल हॉस्पिटल में वन आएगी, एक्सेप्ट। तो sinc t की वैल्यू हमेशा जीरो होगी फॉर ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम, एक्सेप्ट t इक्वल टू जीरो को छोड़ के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके, टाइम के, उन सारे टाइम पे sinc t का जब ग्राफ बनाऊंगा, sinc t की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो। कितने को ये बात नहीं समझ में, कितने लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, आ जाओ, बताइए सारी इंफॉर्मेशन से आप sinc t के ग्राफ को बना सकते हैं। चलो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, हेलो, sinc t दैट इज नथिंग बट इक्वल टू साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई, यही है ना, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें मालूम चली इसके बारे में? देखो, t इक्वल टू जीरो पे sinc t की वैल्यू कितनी होती है, हेलो, t इक्वल टू जीरो पे sinc t कितना होगा, वन होगा। जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम होंगे, मतलब प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस फोर, जितने भी इंटीग्रल टाइम होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल, उन सारे टाइम पे sinc t की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और एक चीज मैंने आपको बताई कि
sinc t is an even signal. कैसा सिग्नल है? Even signal है, ठीक है? चलो इसका ग्राफ कैसा होगा? हेलो, ग्राफ बनाने के लिए आपने इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन, ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपने मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखी. नाउ अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन पाई टी इंटू साइन पाई टी, ये लिख सकते हैं. इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हेलो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हेलो, ग्राफ साइन जैसा बनना चाहिए, साइन ग्राफ. लेकिन आप देखेंगे साइन के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होती थी, लेकिन आप देखेंगे इसकी जो सिंक है इसमें नीचे टाइम है. अगर मैं टाइम की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, टी इक्वल टू जीरो, फिर टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा, क्या मेरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कम होती चली जाएगी? तो साइन का ग्राफ तो बनेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू धीमे धीमे क्या होती चली जाएगी? कम होती जाएगी. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट पे, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, ध्यान से देखना. हेलो, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां मैंने इनफाइनाइट रखा. हेलो, साइन पाई इंटू, क्या साइन की वैल्यू इनफाइनाइट पे कितनी होती है? साइन की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट पे पूछू, हेलो, साइन की वैल्यू जब आप टाइम को बढ़ाते चले जाएंगे तो साइन की वैल्यू इनफाइनाइट पे माइनस वन और प्लस वन के बीच में कोई फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बता पाएंगे? हेलो, साइन तो ऑक्सिलेटिंग सिग्नल होता है. टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 100% इसकी वैल्यू 1 से माइनस 1 के बीच में कोई फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन क्या होगा नहीं बता सकता, लेकिन इतना कंफर्म बोल सकता हूं कि वो वैल्यू फाइनाइट होगी और वो वैल्यू आपका 1 और माइनस 1 के बीच में ही हो. ठीक है, चलो ध्यान से सुनते जाओ जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं. टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, हेलो, जब मैं टी टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूंगा तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटू इनफाइनाइट इंटू साइन इंटू इनफाइनाइट. साइन की वैल्यू इनफाइनाइट पे फाइनाइट होती है, ये एक नंबर होगा, फाइनाइट नंबर, जो कि माइनस वन से वन के बीच में होगा. और बेटा किसी भी फाइनाइट नंबर को जब मैं इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जीरो. मतलब ये हुआ कि आपको समझना चाहिए कि जैसे जैसे आप, हेलो, जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ग्राफ तो साइनोसोडल बनेगा, लेकिन इस साइन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसकी क्या होती जाएगी? धीमे धीमे कम होती जाएगी. और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इसका मैग्नीट्यूड जो है, जब टाइम की वैल्यू बढ़ के इनफाइनाइट, तो मैग्नीट्यूड घट के कितना हो जाएगा? जीरो होता जाएगा. तो ग्राफ में बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. तो आप देखें ग्राफ आपका जो है क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कैसा होने वाला? सिमेट्रिकल होने वाला है. मतलब जैसा ग्राफ आपका वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड पे वैसे लेफ्ट साइड पे. ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? वन से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ग्राफ का नेचर कैसा होगा? साइनोसोइडल होगा. जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे टाइम के, उन सारे इंटीग्रल मल्टीपल पे इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? जीरो होने वाली है. ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो जिंदगी भर रखते रहेंगे. ठीक है, चलो मैं सिंक टी का ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं. क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं है? जरा ध्यान से देखिएगा. नाउ सिंक टी का ग्राफ बनाने जा रहा हूं. ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? वन. इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? वन. ठीक है, जैसा मैं राइट साइड पे बनाऊंगा वैसे ही लेफ्ट साइड पे. ठीक है, अब ये बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, हेलो, जैसे अब मैं टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है? वन. अब जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ठीक है, अच्छा वैल्यू कहां पर जीरो हो जाएगी? टी इक्वल टू जीरो तो वैल्यू वन है, पहली बार वैल्यू कहां पर जीरो होगी? टी इक्वल टू वन पे वैल्यू जीरो हो जाएगी. लेकिन देखो ग्राफ थोड़ी देर बाद क्या होगा, साइन है ना, थोड़ी देर पॉजिटिव बनेगा, थोड़ी देर निगेटिव बनेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अगर यहाँ पर बेटा ये ना होता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी वन होती, मिनिमम वैल्यू वन, फिर मैक्सिमम वैल्यू वन, फिर मिनिमम. लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैल्यू आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू धीमे धीमे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखेगा. टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ वन से स्टार्ट होगा,
और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड धीमे धीमे क्या भी होता जाएगा, कम होता जाएगा, फाइनली कम होता चला जाएगा। साइन का ग्राफ है, थोड़ी देर पॉजिटिव बनेगा थोड़ी देर निगेटिव बनेगा, लेकिन जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। साइन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, पी इक्वल टू जीरो पर साइन की वैल्यू वैल्यू जीरो होती है, लेकिन सिंक की वैल्यू जीरो नहीं होती, कितनी होती है वन होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो यहां पर देखिए, ये टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है वन, ध्यान से देखिएगा, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू है वन। ठीक है, फिर कहां पर जीरो हुई बेटा, टी इक्वल टू वन पे वैल्यू जीरो हो जाए, टी इक्वल टू वन पे, टी इक्वल टू टू, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम होंगे हर जगह पे वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली। टी इक्वल टू सिक्स, फाइव, सिक्स, नाउ दिस इज माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस फोर। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हेलो साइन का ग्राफ है, थोड़ी देर पॉजिटिव बनेगा थोड़ी देर फिर निगेटिव बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड धीमे धीमे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर बेटा ये नहीं होता, ये नहीं होता हेलो, तो ये ग्राफ क्या होता, वन से स्टार्ट होता, नीचे भी कहां तक जाता, माइनस वन तक, फिर प्लस वन तक, लाइक दिस, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू टाइम पे डिपेंड करे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो वन और माइनस वन पे, तो वो धीमे धीमे क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो वही मैंने देखो, ग्राफ स्टार्ट हुआ वन से, लेकिन उसके बाद जो है ये मिनिमम वैल्यू माइनस वन तक नहीं पहुंची, उससे कम होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू वन तक नहीं पहुंची, उससे कम होगा, और धीमे धीमे एम्पलीट्यूड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू घटती जाएगी, और टी टाइम्स इनफाइनाइट में कितनी हो जाएगी, घट के जीरो हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हो, जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर बेटा ये नहीं होता हेलो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी वन होती और मिनिमम वैल्यू भी कितनी होती, माइनस वन। ठीक है, साइन के ग्राफ में ऐसा होता, लेकिन आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड करेगी। अगर आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे, टाइम को बढ़ाते जाएंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जीरो वन से स्टार्ट हुई, लेकिन नीचे ये माइनस वन तक नहीं पहुंचे, फिर अगली बार ये जो है जितना ये नीचे गई थी उतना ही ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा कम पहुंचे, और फिर जैसे जैसे टाइम होगा धीमे धीमे घटते 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 कितना हो जाएगा, जीरो। और देखे मैंने ग्राफ कैसा बनाया, ग्राफ आपका वर्टिकल एक्सिस के बाद कैसा है, सिमेट्रिकल है, जैसा राइट साइड पे वैसा लेफ्ट साइड पे, इवन सिग्नल है। हर एक इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू कितनी है, हर एक इंटीग्रल मल्टीपल पे वैल्यू कितनी है, जीरो, एक्सेप्ट टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिंक टी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। कोसाइन का ग्राफ नहीं बोल सकते, कोसाइन के ग्राफ में वन से स्टार्ट करता है, नीचे माइनस वन तक जाता है, हेलो नीचे ये माइनस वन तक जाता है, ये माइनस वन तक नहीं जा रहा है, क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो टाइम पे, जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू वन थी ना, ये अगर मान लो टाइम पे नहीं होता ये माइनस वन पे जाती, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम पे जा रही, और टाइम बढ़ेगा अब ये उतना ऊपर नहीं जाएगी, उससे कम जाएगी, और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। ब्रजेश चौहान, चलो ब्रजेश चौहान मेरी बात समझ रहे हो ना, किसी को कोई दिक्कत हो ग्राफ में, किसी को भी ग्राफ को देखो, जितने भी पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हैं वो सारे पॉइंट मैंने ग्राफ में लिखा है। टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन है। हर एक इंटीग्रल मल्टीपल पे सिंक टी की वैल्यू बेटा कितनी है, जीरो। हर एक इंटीग्रल, चाहे वन हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री हो, चाहे फोर हो, जीरो है। इवन सिग्नल है, वर्टिकल, जैसा आगे बनेगा वैसे ही पीछे बनेगा, क्या मेरी बात समझ रहे हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताए,
अब चलिए कन्वर्जन देखते हैं, sinc t के फॉर्म पे लिखना है। कई सारे फंक्शन होंगे जिनको मैं sinc t के फॉर्म पे लिखना चाहूंगा, साइन के फॉर्म पे। जनरली sinc t लिखने के लिए, हेलो, sinc t के फॉर्म पे, sinc के फॉर्म पे अगर आप सिग्नल को लिखना चाहते हो साइन होना जरूरी है। और बेटा जो है पाई के साथ जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, sinc के अंदर वेरिएबल, पाई के साथ जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल sinc के अंदर लिखा जाता है। अगर यहाँ पर पाई के साथ एटी होगा तो यहाँ पर एटी आ जाएगा, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट हो तो बता दे अभी चले। आ जाओ लिख रहा, चल एक्सप्रेस एक्सप्रेस साइन फाइव टी डिवाइडेड बाई टी इन एक्सप्रेस साइन पाई टी डिवाइडेड बाई टी एज ए सिंक फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है साइन फाइव टी डिवाइडेड बाई टी, साइन फाइव टी डिवाइडेड बाई फाइव, साइन फाइव टी डिवाइडेड बाई टी। इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, सिंक के फॉर्म पे लिखना है। कितने सिंक के बराबर होगा जरा मुझे बताएं। sinc t की डिफिनीशन देखें और इस फंक्शन को आपको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, sinc के टर्म में, sinc के टर्म में। बताइए, देखें जरा। अदिति पांच सिंक होगा, सिंक फाइव बाई फाइव, चंचल सिंक फाइव बाई फाइव, मतलब समझ रहे हो ना, सिंक वन हो गया। चलो आ जाओ सॉल्यूशन देखने, मुझे इसको एक्सप्रेस करना, इस फंक्शन को एक्सप्रेस लिखना है या फिर किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, sinc के फॉर्म पे लिखना। सॉल्यूशन देखो, जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। क्या फंक्शन दिया था, साइन फाइव टी डिवाइडेड बाई टी, इसको मुझे sinc के टर्म में लिखना है। चलो sinc की जो डिफिनीशन देखते हैं, हेलो, sinc टी की मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई, यही डिफिनीशन थी ना। हेलो, साइन के अंदर क्या चाहिए बेटा, पाई चाहिए, साइन के अंदर क्या चाहिए, पाई, और पाई के साथ जो भी लिखा होगा वो sinc के अंदर चला जाएगा। तो पहले तो हमें यहां पाई बनाना पड़ेगा, तभी sinc टी की डिफिनीशन मैटर, साइन पाई टी, साइन के अंदर पाई चाहिए और जो पाई के साथ कोफिशिएंट होगा वही sinc के साथ यहां पर लिखा जाए। तो जरा ध्यान से देखो, हेलो, अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इसको sinc के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं तो साइन के अंदर पाई बनाना पड़ेगा, साइन के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, पाई बनाना पड़ेगा। क्या पाई दिया है, क्या नहीं दिया है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, नीचे वाले टी को आप बिल्कुल अलग कर लीजिए, नीचे वाले टी को बिल्कुल अलग कर लीजिए, कोई लेना देना नहीं है, केवल साइन वाले फंक्शन को ध्यान देना, साइन वाले। तो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए, सेम फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको बिल्कुल अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन, ध्यान से देखिएगा, अंदर मुझे क्या चाहिए, पाई चाहिए, तो मैंने क्या किया, पाई से गुणा किया, और पाई से मैं क्या भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, पाई से गुणा करूंगा तो पाई से डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखिएगा, नाउ दिस इज पाई टी डिवाइडेड बाय पाई, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी वाले को बिल्कुल आप अलग करके लिखिए, साइन के अंदर हमेशा क्या चाहिए, पाई चाहिए, तो मैंने पाई से गुणा कर दिया, पाई से भाग कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, साइन पाई टी, साइन पाई ये पूरा टी है,
और जो बेटा ये पूरा लिखा होगा साइन के अंदर सेम चीज डिनोमिनेटर में, साइन के अंदर जो पूरा लिखा होगा वही डिनोमिनेटर में चाहिए। हेलो, साइन के अंदर जो ये लिखा है यही डिनोमिनेटर में चाहिए सिंक के लिए। तो मैंने क्या किया, सेम चीज ध्यान से देखिए, जो बेटा साइन के अंदर ये है इसी नंबर से मैंने क्या किया डिवाइड भी कर दिया और इसी नंबर से गुणा भी कर दिया। तो क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है? हेलो, क्या कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कैसे मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल ध्यान रखिए। पहले तो मैंने साइन के अंदर पाई बनाया, तो पाई का मैंने गुणा किया, भाग किया। अब साइन के अंदर जो भी वेरिएबल है सेम वेरिएबल नीचे चाहिए सिंक के लिए, तो नीचे जो भी वेरिएबल है उससे मैंने डिवाइड किया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो ये तुम्हारा सिंक के फॉर्म पे बन गया, ये सिंक के फॉर्म पे बन गया। और इन दोनों को देखो, इन दोनों यहां से कुछ कट्टम कुट्टी हो जाएगी हमेशा, ठीक है? चलो इसको आपने क्या किया, हेलो जरा देखो, हेलो साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, क्या ये सिंक है क्या? बस टी की जगह कितना इस बार आपका 5t/π। बेटा पाई टी जो भी पाई के साथ यहां होता है सेम चीज यहां लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हेलो सेम चीज को थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप इसको क्लियरिफाई कर पाए। चलो नाउ दिस इज रिटन एज सिंक टी इज इक्वल टू क्या था, साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। ये बताओ पाई के साथ जो भी मल्टीपल पे होगा वही सिंक के साथ वेरिएबल में आएगा। हेलो साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, व्हाट इज द टी, इस बार टी की वैल्यू कितनी है 5t/π। तो ये आपका सिंक बन गया, ध्यान से देखो, ये देखो दिस इज 1/t इनटू लिखा आपने सिंक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5t/π। इस पूरे को आपने सिंक लिख डाला, इस पूरे को ही आपने लिखा। तो क्या बचा यहां पर, इंटू पाई इंटू 5t/ कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये पाई से ये पाई उड़ गया और ये टी से ये टी उड़ गया, तो कितना आ गया बेटा, ये दिस इज 5 sin 5t/π। और जब आप इस सिंक को ओपन करेंगे ना यही आ जाए, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो साइन पाई टी, साइन 5t/t को हम क्या लिख सकते हैं, 5 sin 5t/π। किसको नहीं समझ में आया, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं लेकिन ये पहले बताओ किसको नहीं समझ में, आपकी स्क्रीन में है, आप देख लो कि किस स्टेप में आपको नहीं समझ में है। ये तो कोने में कहीं लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा भी देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको नहीं समझ में है, मैंने अपने साइन 5t/t को सिंक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, किसको नहीं समझ में है, लिखा हुआ देख लो, सबको समझ में आ गया। मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, आओ देखते हैं, लिखो जरा। एक्सप्रेस साइन 100t डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर टी इन टर्म्स ऑफ सिंक फंक्शन। चलो बताओ जरा इस काम से, ये आपके पास है कि साइन 100t डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर टी, इसको सिंक के फॉर्म पे लिखना है, कितना सिंक होगा बताओ, देखे जरा।
बताएं कितना सिंपल होगा। बताएं चलो किसका किसका आ गया, चल थम्स अप करके बताओ, आंसर करके बताओ मुझे कितना आया भाई। एक लोगों ने अभी तक केवल 100 बटे पाई स्क्वायर, आगे सिंक के अंदर क्या वेरिएबल है, विकल वो वेरिएबल बताओ, सिंक आगे क्या है, कौन कितना वेरिएबल आएगा। हाँ पूजा तुम्हारा सही है, अरे रक्षा शंकर तुम्हारा गलत है, चंचल तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड। अदिति, हाँ अदिति तुम्हारा भी सही है, चलो वेरी गुड। कर क्यों नहीं पा रहे हो, आगे जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग जो है सैंपलिंग पढ़ेंगे वहां पर जो है सिंक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, अभी आगे भी सिंक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस कन्वर्जन को सीखना है तुम लोग को, देखो कैसे एक्सप्रेस करते हैं सोल्यूशन, ध्यान से देखो। चलो लिखा है आपके पास साइन 100t डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर टी। अब देखो सिंक के लिए सिंक की डेफिनेशन, सिंक t इक्वल टू साइन पाई t होता है, जब पाई की कमी है तो पाई हमें लाना पड़ेगा, पाई को गुणा करेंगे पाई का, तो पहले इसको हटाओ, नीचे वाले को तुरंत हटा दिया करो, सबसे नीचे जो लिखा है उसको बाद में समझेंगे, ठीक है। चलो ये आया, दिस इज साइन, पाई की कमी थी तो मैंने पाई से गुणा कर दिया और पाई से डिवाइड कर दिया, पाई से गुणा कर दिया तो पाई से डिवाइड कर दिया, क्या कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहां पाई चाहिए था तो पाई से मैंने गुणा किया, पाई से डिवाइड कर दिया। अब तुमने देखा यार sin t के डिफरेंस पे sin pi t डिवाइडेड बाय पाई t, यही वेरिएबल नीचे भी लाना पड़ेगा, सेम वेरिएबल नीचे लाना है तो लो नीचे लिया, सेम वेरिएबल बिल्कुल नीचे लाना है, सेम वेरिएबल हम नीचे भी लेके आए और सेम वेरिएबल हम ऊपर भी लेके आए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये हो गया, अब देखो ये तो बदल गया मेरा सिंक में बदल गया, साइन हेलो साइन पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी, इसको मैं सिंक लिख सकता हूं, दिस इज योर सिंक, ये सिंक में कन्वर्ट हो गया। और ये कितना सिंक होगा बेटा, टी की जगह ये पूरा वेरिएबल है, हेलो पाई के साथ ये पूरा वेरिएबल टी कहलाएगा, दिस इज सिंक 100 टी डिवाइडेड बाई पाई। अब क्या क्या बचा, यहां पर देखो ये बचा तुम्हारा 1/ दैट इज पाई स्क्वायर टी, और यहां पर बचा हेलो यहां से देखो पाई से पाई कट जाएगा और यहां पर तुम्हारा आ जाएगा 100 टी आ जाएगा, और बेटा टी से टी भी कट जाएगा, ये टी और ये टी कट गया। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर सिंक 100 टी डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। चल एक और कन्वर्जन करो, जब कुछ लोग जब नहीं कर पा रहे हो, क्या किसी को कोई डाउट है, चलो जरा एक और कन्वर्जन करो, एक्सप्रेस
साइन tan t डिवाइडेड बाय t एक्सप्रेस साइन tan t डिवाइडेड बाय t इन टर्म्स ऑफ sinc function. चलो करें. चल इसको भी जल्दी से आप कर सकते हैं. देखो सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं है. कभी भी ऐसा क्वेश्चन है सिंक में बदलना है तो ये फ्री का नंबर होता है. दैट इज साइन टेन टी डिवाइडेड बाय टी. तो सिंक के लिए साइन पाई चाहिए. साइन पाई तो पहले इस टी को तो अलग किया, फिर हमने लिखा साइन ब्रैकेट में पाई. पाई नहीं है तो पाई से मैंने गुणा किया. टेंटी गुणा किया है तो सेम फंक्शन रखने के लिए पाई से हम डिवाइड भी करेंगे. ठीक है चलो साइन पाई टी डिवाइडेड बाई टी सेम वेरिएबल नीचे लाना है. सेम से डिवाइड किया तो सेम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. पाई इंटू टेन टी डिवाइडेड बाई पाई. ठीक है चलो ना यहां पर देखेंगे ये पाई से पाई चला जाएगा, ये वाले टी से ये वाला टी चला जाएगा, केवल बचेगा टेन. दिस इज टेन, दिस इज सिंक टेन टी डिवाइडेड बाई पाई. मेरे ख्याल से आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो. ठीक है चल नेक्स्ट जो है हम लोग चलने जा रहे हैं. चलिए पहले मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारे फार्मूले फोरियर के, क्योंकि अब एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं. दैट इज पल्स सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म. और पल्स सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म में डुअलिटी लगा के हम एक और फोरियर पेयर निकाल लेंगे. दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज आएगा वो. ठीक है चल पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ आपके सारे फार्मूले. क्या किसी को सिंक में कन्वर्जन में कोई दिक्कत है? सिंक का कन्वर्जन कर लेंगे. साइन का कभी भी दिया होगा तो सिंक के फॉर्म पे उसको बड़ी आसानी. साइन को सिंक में लिखा जा सकता है. अगर आपके पास साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द सिंक फंक्शन. ये कन्वर्जन मैंने आपको बताया है. चलिए आज ये जरा फॉर्मूले एक बार रिकॉल करते हैं. क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े अभी तक? फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा e की पावर माइनस ए टी इंटू यू टी. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा दैट इज वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा. ठीक है उसके बाद हमने एक और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा e की पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी. ये राइट साइडेड सिग्नल था, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल, दोनों एनर्जी सिग्नल हैं. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा That is one upon a minus j omega. A minus j omega. Next हमने पढ़ा this is one. One का Fourier transform हमने पढ़ा. One का नहीं पढ़ा, del t का पढ़ा. जिस sequence में पढ़ा उसी sequence में आपको बता रहा हूं. क्या पढ़ा? One. फिर हमने पढ़ा e की पावर माइनस ए मॉड टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा दैट इज टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद हमने पढ़ा e की पावर माइनस ए टी इंटू यू टी माइनस e की पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा दिस इज माइनस
टू जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने एक और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा, मेरे ख्याल से यही पढ़ा हमने। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा दैट इज वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा टू पाई डेल ऑफ ओमेगा, टू पाई डेल ऑफ ओमेगा। इसके बाद हमने पढ़ा कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा दैट इज नथिंग बट द पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा साइन ओमेगा नॉट, साइन ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा पाई जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा दैट इज वन अपॉन टू, वन अपॉन जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस वन अपॉन जे प्लस पाई बाई टू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यूटी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा This is 1 upon 2j, 1 upon j omega minus omega naught minus 1 upon j omega plus omega naught plus pi divided by 2j del omega minus omega naught minus del omega plus omega naught. फिर हमने एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा सिग्नम टी, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म था टू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा, और फिर उसके बाद हमने एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा टू डिवाइडेड बाय जे टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस टू पाई सिग्नम ओमेगा। इतने फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फार्मूले आपको बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं दैट इज अ रेक्टेंगुलर सिग्नम, रेक्टेंगुलर सिग्नल या फिर रेक्टेंगुलर फंक्शन या फिर इसको गेट सिग्नल भी बोलते हैं।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें, हो गया क्या? चलो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर सिग्नल पहले समझ लीजिए किस रेक्टेंगुलर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है। रेक्टेंगुलर सिग्नल और रेक्टेंगुलर फंक्शन। रेक्टेंगुलर का तो आयताकार फंक्शन या फिर पल्स सिग्नल इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है पल्स सिग्नल। पल्स सिग्नल और पल्स फंक्शन, या फिर इसी का एक तीसरा नाम होता है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं। पहले गेट सिग्नल को समझ लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। जिस रेक्टेंगुलर सिग्नल का या फिर पल्स सिग्नल का हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर या फिर पल्स सिग्नल आपका सिमेट्रिकल सिग्नल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इवन सिग्नल होता है, वर्टिकल एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होगा, मतलब जितना ओरिजिन के आगे होगा उतना ओरिजिन के पीछे होगा। और इसकी जो विड्थ होगी, जो इस रेक्टेंगल की विड्थ होगी वो 2a होगी और हाइट हमेशा क्या होगी 1 होगी। इस रेक्टेंगुलर विड्थ का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, दिस इज द रेक्टेंगुलर सिग्नल, ठीक है। इसका हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड है। Now this is XT. XT किस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगुलर सिग्नल। या फिर आप बोल सकते हैं पल्स सिग्नल। या फिर गेट सिग्नल। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? देसी ग्राफ। ये जो रेक्टेंगुलर सिग्नल लेते हैं, रेक्टेंगुलर का आयता का, इसकी विड्थ होगी 2a, विड्थ होगी 2a और ये हमेशा माइनस a से, अच्छा नीचे कर दे थोड़ा सा, एक जल्दी नोट करो, ग्राफ पहले समझ लीजिए। Now, rectangular signal जो है that is defined from minus a से लेके plus a, minus a से लेके plus a कितनी width होगी? 2a, इसकी width हमेशा 2a होगी। rectangular signal की width हमेशा जो है, जिस rectangular signal का Fourier transform निकाला जाता है उसकी width हमेशा 2a मानते हैं और height कितनी मानते हैं? 1, ठीक है। चलो this is nothing but the Now, the rectangular signal is symmetrical signal, या फिर even signal आप मान सकते हैं। It is defined from, ये time में कहां से कहां तक define होता है? ये time में define होता है minus a से लेके minus a से लेके plus b।
माइनस ए से लेके प्लस ए, विड्थ कितनी होगी इस रेक्टेंगुलर सिग्नल की? विड्थ हमेशा होगी 2a। या फिर कभी आपसे पूछा गया कि रेक्टेंगुलर सिग्नल की विड्थ आपको हमेशा कितना माननी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 2a, विड्थ इज 2a। विड्थ अगर 2a है और ये सिमेट्रिकल है, लो अगर विड्थ मान लीजिए हमेशा 2a माननी है और ओरिजिन के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल है, तो ओरिजिन से जितना आगे उतना पीछे 2a अगर विड्थ है तो ओरिजिन के आगे a होगा तो लास्ट पॉइंट प्लस a होगा, ओरिजिन के पीछे a होगा दैट इज ए माइनस, दैट इज 1। दिस इज योर हाइट। इस रेक्टेंगुलर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है, हाइट इज 1, विड्थ इज 2a। इसी को गेज सिग्नल भी बोलते हैं, गेज, दिस इज द गेज सिग्नल। इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, दिस इज ए गेज सिग्नल और रेक्टेंगुलर सिग्नल, फिर पल्स सिग्नल। आपसे बोला जाए कि पल्स सिग्नल का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो तो दिस इज द पल्स सिग्नल, ये आपके ग्राफ में ऑटोमेटिकली, इसको पल्स सिग्नल बोलते हैं, मतलब ये ग्राफ आपको सोचना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, फिर जो पल्स सिग्नल है, क्या ये पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है? ये अपीरियोडिक सिग्नल ऐसा है, अपीरियोडिक है। क्या हम इसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या मैं इसके एरिया को बिल्कुल एरिया को कैलकुलेट, मतलब बाउंडेड एरिया बाउंड करे, तो सिग्नल मेरा जो आपका रेक्टेंगुलर या फिर पल्स सिग्नल होता है वो मेरा अपीरियोडिक और बाउंडेड एरिया बाउंड करता है, मतलब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। अगर सिग्नल अपीरियोडिक है और बाउंडेड एरिया बाउंड कर रहा है तो 100% आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। साथ ही साथ ये सिग्नल कैसा होगा? एनर्जी सिग्नल होगा। कैसा होगा? एनर्जी सिग्नल। और अगर सिग्नल एक्सटी एनर्जी सिग्नल है, तो अगर सिग्नल मेरा एनर्जी सिग्नल है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब मैं निकालूंगा तो क्या उसमें इंपल्स आएगा? इंपल्स नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो होंगे, जब कई बार मुझको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि यार आपके पास एक ग्राफ है, एक्स टी का ग्राफ है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए इंट्रीगेशन प्रॉपर्टी क्या करेंगे? यूज करेंगे। लेकिन इंट्रीगेशन प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे तो अगर मेरे पास एक सिग्नल एक्स टी है, उसका अगर मैं इंट्रीगेट कर दूंगा टाइम डोमेन में, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज 1/j ओमेगा, क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस पाई इंटू एक्स ऑफ ओमेगा इंटू डेल ऑफ ओमेगा। तो जब भी इंट्रीगेशन प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो इंट्रीगेशन की वजह से आप देखेंगे इंपल्स वाला एक फैक्टर आने लगेगा। और अगर सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? जीरो आएगी। लेकिन सिग्नल अगर पावर सिग्नल होगा तो इंपल्स आना चाहिए, मतलब वो फैक्टर की वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो आप देखेंगे कि जब भी मुझे जो है ये ग्राफ दिए होंगे ना, ऐसे सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? ऐसे सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब जो भी सिग्नल दिया होगा उसके ग्राफ को हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। और कब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे? जब तक मेरे पास इंपल्स ना आ जाए। क्या ना आ जाए? इंपल्स। और एक बार अगर इंपल्स आ गया ना, फिर हम लोग अपने जो है सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब एक्स टी ए है जो कि एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है या फिर पल्स सिग्नल है या फिर गेज सिग्नल है। अब मुझे क्या करना है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अगर एक्स टी का ग्राफ मालूम है तो क्या इसके डिफरेंशिएट का ग्राफ बना सकते हैं? एक्स टी का ग्राफ मालूम है तो मैं इसके डिफरेंशिएट का ग्राफ बना सकता हूं। ध्यान सुनिएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस तक ये जीरो है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन माइनस ए पे आपका जो है जो एक्स टी है उसमें क्या हो रहा है? सडन चेंज आ रहा है। क्या रहा है? सिग्नल माइनस ए पे कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। जिस जिस पॉइंट पे एक्स टी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा उस टाइम इंस्टेंट पे उसके डेरिवेटिव में इंपल्स आएगा। यहां पर इंपल्स आएगा और इंपल्स की डायरेक्शन कैसी होगी? अपवर्ड होगी। फिर आपका जो है जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। सिग्नल फिर से कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस। एक्स टी जहां जहां डिसकॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां उसके डिफरेंशिएशन में इंपल्स। तो यहां भी एक इंपल्स आएगा, यहां भी एक इंपल्स आएगा। यहां पर इंपल्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यहां पर इंपल्स की डायरेक्शन डाउन। जैसे ही बेटा आपके पास इंपल्स आ जाएगा, आप अपने सिग्नल का मैथमेटिकल फंक्शन लिख लेंगे। हेलो, इंपल्स का मैथमेटिकल फंक्शन लिख सकते हैं। इन दोनों इंपल्स को ऐड कर देंगे, एक्स ऑफ डी का मैथमेटिकल फंक्शन आ जाएगा। और एक्स ऑफ डी जो होगा
वो इंपल्स के फॉर्म है, इंपल्स का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम होता है, और अगर एक्स डैश टी का फ्रीगेट कर दूंगा तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मुझे कभी ग्राफ दिया होगा, ठीक है, ग्राफ दिया होगा और मुझसे बोला जाएगा कि भाई ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो एक तो तरीका, अच्छा ये एनर्जी सिग्नल है, अगर ये एनर्जी सिग्नल है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन से भी निकल आएगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकल के आएगा, इंटीग्रेशन से भी निकल आएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। आपको फंक्शन निकाल लो, माइनस इनफाइनाइट लेके माइनस ए तक जीरो है, माइनस ए लेके प्लस ए तक फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, वन है, और फिर ए से लेके इनफाइनाइट तक जीरो है। तो आप देखोगे आपका अगर क्या करना है, आपको अगर एनर्जी सिग्नल है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, यही करेंगे ना। अब आपका जो सिग्नल है क्या वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है क्या, नहीं, वैल्यू बदल रही है, तो इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, माइनस ए से लेके प्लस ए, और प्लस ए से लेके इनफाइनाइट। यहां पर इसकी वैल्यू एक्स टी की वैल्यू जीरो है, यहां भी एक्स टी की वैल्यू जीरो, और यहां पर एक्स टी की बेटा वैल्यू कितनी है, यहां पर एक्स टी की वैल्यू है वन। यहां पर वैल्यू रखेंगे, इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे, लिमिट में रखेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, सेम रिजल्ट। तो वो तो एक हमारे पास ट्रिक है, लेकिन आप देखेंगे हम दूसरा तरीका देख रहे हैं कि ग्राफ जब होगा, कई बार ऐसे ग्राफ दिए होंगे, हमेशा कांस्टेंट नहीं दिया होगा, कई बार आपको ट्रेंगुलर ग्राफ दे देगा, कई बार पता नहीं दुनिया भर का ग्राफ दे देगा, तब आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछेगा, तब इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होने वाली है। अगर इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होने वाली है तो एक जनरल मेथड हम लोग सर्च कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और मैं इंटीग्रेशन से भी करके इस चीज को आपको क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर रखते हैं, कल जो है इसको कंप्लीट करेंगे, जो क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेगा इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को बताने के लिए। मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे तुम लोगों की, कल मॉर्निंग में 7 बजे रख सकते हैं क्या, मॉर्निंग में 7 बजे नहीं रख सकते, क्या हो गया ऋषिकेश, रक्षा शंकर, 7 बजे क्या दिक्कत है, नहीं उठ पाते हो क्या, 7 से 10 3 घंटे पढ़ लेते हैं सुबह सुबह, कि 7:30 से कर ली, सात से कि 7:30 से, 7 बजे से, ठीक है, तो 7 बजे से कर लेते हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। कल मैं आपके 2-3 मेन टॉपिक जो है कंप्लीट कर दूंगा, एक तो रेक्टेंगुलर सिग्नल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, 7 से 10 फिक्स है, ठीक है। कल आपकी सुबह 7 बजे से क्लास है, डिजिटल की क्लास मैं इवनिंग में ले लूंगा, तो बाकी सारा दिन रहेगा तुम लोग के पास खाली टाइम, तो उसमें तुम लोग को पढ़ाई करनी है, अपना नॉन टेक कंप्लीट करते चलो, ठीक है, टाइम ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो कल जो है 7 बजे से आपकी क्लास है, 7 से 10 मॉर्निंग में मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। और कल मैं आपकी सारी क्लास लूंगा, डिजिटल की भी क्लास लूंगा, सिग्नल की भी क्लास लूंगा, ठीक है। चलो आज नहीं ले पाऊंगा, अभी मैं इलेक्ट्रिकल वाले, अभी जस्ट मैं आया हूँ, आते ही आप लोगों की क्लास मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। बेटा सर की तबीयत खराब हो गई थोड़ा सा जो है, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहा है मैथ वाले से, उनका मैसेज आया था कि सर मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं 1-2 दिन, जैसे ही मैं उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा जो, ठीक है। चलो तो कल सुबह 7 बजे मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है, ओके। ट्राई करिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एक बार आप, आज नहीं लूंगा, आज मैंने भेजा तो था तुम लोगों को, अभी मैं इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास लेने जा रहा हूँ, उनकी भी क्लास नहीं लिया हूँ आज जो है, तो एक क्लास में उनकी भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट।